नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसमें देखेंगे कि जो कूलिंग टावर होता है उसमें रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। और जो रेंज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कूलिंग टावर के लिए। ओके, तो डिटेल से बात करेंगे इस बारे में, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा रेंज है कूलिंग टावर का रेंज, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैंने डायग्राम बना रखा है। जो कूलिंग टावर है हमारा, ये हमारे फैन लगा हुआ है और ये जो है आपका CW इनलेट आ रहा है और यहाँ से कूल होके फिर ये CW यहाँ से आउटलेट निकल रहा है, ठीक है। CW इनलेट कौन सा है? ये वो वाटर है जो भी हमारे इक्विपमेंट्स कूल होते हैं, वाटर कूल होते हैं, उनको कूल करके वापस आता है कूलिंग टावर में, फिर कूल डाउन, खुद कूल डाउन होता है, फिर वापस ही वर्कआउट करने के लिए चला जाता है। ओके, तो कूलिंग टावर का मेन काम यही है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट है, जो वाटर कूल्ड है, उनको जो वाटर कूल करता है उस वाटर को क्या कौन कूल करता है? फिर कूलिंग टावर कूल करता है। ओके, तो देख लेते हैं जो रेंज है, रेंज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जो रेंज का फॉर्मूला है वो होता है आपका CW इनलेट टेम्परेचर माइनस CW आउटलेट टेम्परेचर। ओके, क्या होता है फॉर्मूला? कूलिंग वाटर का इनलेट टेम्परेचर माइनस कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर। ओके, तो एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा कूलिंग वाटर का इनलेट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 47 पे आ रहा है। ओके, और जो कूलिंग वाटर आउटलेट जा रहा है, मतलब जो ठंडा होने के बाद निकल रहा है कूलिंग टावर से, वो कितना है? 38 डिग्री सी। ओके, तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 47 डिग्री सी माइनस 38 डिग्री सी। तो इसको जब माइनस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, कुछ 9 डिग्री सी। तो रेंज से हम ये पता कर पाते हैं कि जो हमारा कूलिंग टावर वो कितना इफिशियंट है या फिर कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, ठीक ना। तो रेंज से हम ये पता कर पाते हैं। अगर रेंज हमारा ज्यादा है तो वो हमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारा कूलिंग टावर वो बहुत ज्यादा इफिशियंट है, ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये 9 आया, अगर मान लीजिए कि ये 10 आता है, ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 47, तो ये तो उतना ही रहेगा, ये फिर आपका कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री सी, तो एक डिग्री कम हो जाएगा। इससे क्या मतलब पता चल रहा है कि अगर रेंज हमारा ज्यादा है, दैट मीन्स कि जो हमारा कूलिंग टावर है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत इफिशियंट वर्क कर रहा है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेंज की क्या इंपॉर्टेंस है कूलिंग टावर के लिए। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।